आज के ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं दो लेबर लॉ के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, बट उसके एमसीक्यूज हम लोग करेंगे ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो चैप्टर में कवर कर रहा हूँ, दैट वन इज अ बोनस एक्ट एंड अदर इज अ मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये दो चैप्टर को मैं आज यहाँ पे उसके एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा। अब जैसे कि आपको पता है कि चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हो या अगर आप सपोज एलएलबी भी पढ़ रहे हो, तो भी ये टॉपिक आप दोनों जगह पे आपको ये टॉपिक काम आता ही है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग बोनस एक्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल वेर देर आर डैश आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कितने एम्प्लॉयज अगर होते हैं तो बोनस एक्ट एप्लीकेबल है। देर आर हाउ मेनी एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो 10 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स, 50 और मोर वर्कर्स एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपने बोनस एक्ट पढ़ा होगा कि बोनस एक्ट में पहला ही एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में लिखा है कि भाई ये एक्ट एप्लीकेबल है वेर देर आर 20 और मोर वर्कर्स। तो करेक्ट आंसर इज 20 और मोर वर्कर्स, द करेक्ट आंसर इज बी, बराबर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, सेक्शन 32 ऑफ द बोनस एक्ट डील्स विद, क्या डिफाइन करता है सेक्शन 32? तो सेक्शन 32 डिफाइन करता है क्या, एक्सेप्शंस टू बोनस, इंटरिम बोनस, अकाउंटिंग ईयर या अवेलेबल सरप्लस, क्या डिफाइन करता है? तो सेक्शन 32 क्लियर कट डिफाइन करता है एक्सेप्शनल केसेस कि भाई किन कैटेगरीज के लोगों को बोनस नहीं मिलता है एज पर दिस एक्ट। चलो नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें आता है बोनस एक्ट प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू। तो जो बोनस एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, बैंक एम्प्लॉयज, ओशनिक एम्प्लॉयज, एनजीओ एम्प्लॉयज एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच सेक्शन अवार्ड इज डिफाइंड। जैसे अवार्ड आपको पता होगा कि इंटरिम अवार्ड, फाइनल अवार्ड, दो टाइप के अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो अवार्ड कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, 2-4, 2-5, 2-6 या 2-7? सो करेक्ट आंसर इज 2-7। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2-7, सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव, ओनली दोज एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू रिसीव बोनस हुज सैलरी इज लेस देन रुपीज डैश पर मंथ। तो बोनस उन लोगों को मिलता है जिसका सैलरी कितने अमाउंट से कम होना चाहिए, उनको ही बोनस मिलता है, बाकी लोगों को बोनस नहीं मिलता है। ऑप्शंस देखते हैं, 10,000, 15,000, 18,000, 21,000। एंड आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर इज 21,000, लेस देन 21,000 सैलरी होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, जिसमें आता है एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर मींस एन एस्टैब्लिशमेंट ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय कॉर्पोरेशन इन विच नॉट लेस देन 40% ऑफ इट्स कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ओन बाय गवर्नमेंट और आरबीआई एंड एनी ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज एनी ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, जिसमें आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। तो जब हम लोग सैलरी या वेजेस बोलते हैं स्पेशली लॉ, मतलब लेबर लॉ के अंदर, ठीक है, तो क्या लिखा है, विच इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ सैलरी, क्या कवर नहीं किया गया है? फर्स्ट ए ट्रैवलिंग अलाउंस, बी बोनस, सी कमीशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें वेजेस की डेफिनेशन में एक्सक्लूडेड है अंडर बोनस एक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ओनली दोज एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू रिसीव बोनस हुज हैज वर्क फॉर मिनिमम डैश डेज इन अ ईयर। तो जब हम लोग बोनस की बात करते हैं तो एक पर्सन को बोनस लेने के लिए इन अ ईयर कम से कम कितने दिन काम करना पड़ेगा, 180, 120, 60 और 30? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिमम 30 दिन तो काम किया होना ही चाहिए तो ही बोनस मिलता है, अदरवाइज मिलेगा। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ बोनस? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते फटाफट, 10%, 15%, 20%, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम रेट ऑफ बोनस इज 20%। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। ओके चलो, द फर्स्ट इज द
एक्ट हैज लेड डाउन डिटेल प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज. ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेक्शन 212 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेशन. The available surplus in respect of any accounting year shall be the gross profit for that year after deducting therefrom the sums referred to in section 6 and both B and C. And the correct answer is B option. So, next is question number 11. Bonus must be paid within how many period? अब देखो यहाँ पे दो time limit थी bonus payment करने की. तो अगर समझो जैसे कोर्ट होता तो अलग टाइम लिमिट होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अलग टाइम होता है. यहाँ पे कोर्ट मेंशन ही नहीं है तो हम एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो होता है हम लोग वही गिनेंगे. तो ऑप्शन देख लेते हैं. 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो द करेक्ट आंसर इज 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. पेनल्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन. तो बोनस एक्ट में जो पेनल्टी वाला पार्ट है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? 28, 27, 25, 24. एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 28 में डिफाइन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. कस्टमरी बोनस इज सेक्शन, जैसे कस्टमरी बोनस, पूजा बोनस भी जिसको बोला गया है, ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है? 16, 17, 18, 19. कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है? तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन विच केस इट वॉज डिसाइडेड दैट डियरनेस अलाउंस इज नथिंग बट रेम्यूनरेशन. ये कौन से केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि डीए, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, ये कुछ नहीं रेम्यूनरेशन या रेम्यूनरेशन का पार्ट ही समझने आया इसको. ऐसा कौन से सेक्शन में बोला गया है, कौन से केस में बोला गया है? चलो केस देख लेते हैं. मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई, देन चलथान विभाग सहकारी खांड उद्योग वर्सेस गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर, देन हुकुमचंद जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नन ऑफ दिस. एंड ये जो डिसीजन पास किया गया था ये सेकेंड जो ऑप्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर वाला जो केस है उसके अंदर ये डिसीजन पास हुआ था. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अवार्ड एज पर बोनस एक्ट. बोनस एक्ट में कितने टाइप के अवार्ड है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एक एमसीक्यू में. ऑप्शन देख लेते हैं. 1, 2, 3, नन ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज 2. ठीक है, तो कितने टाइप है बोनस के, सॉरी अवार्ड के? इंटरिम अवार्ड, फाइनल अवार्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब ये दूसरा एक्ट है एंड द सेकंड एक्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितने एमसीक्यूज क्या है. चलो सो स्टार्ट करते हैं. एस्टैब्लिशमेंट मींस क्या क्या आता है एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में? फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, की ऑल ऑफ द अबव. अब जहां स्टूडेंट्स, मेरे को पता है कि जब ऑल ऑफ द अबव आता है स्टूडेंट्स को लगता है करेक्ट आंसर वही है और यहाँ पे करेक्ट आंसर वही है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. वेजेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है वेजेस? इंक्लूड बोला है कैश अलाउंस, बोनस, ओवरटाइम अर्निंग्स, ऑल ऑफ द अबव. अब मैटरनिटी बेनिफिट में ऑल ऑफ द अबव आएगा, यहाँ पे बोनस भी पार्ट ऑफ वेजेस माना जाता है, बराबर. चलो क्वेश्चन नंबर 3. सेक्शन डैश डील्स विद द नोटिस ऑफ द क्लेम फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट थेरऑफ. कौन से सेक्शन में डील होता है? 4, 5, 6, 7. And the correct answer is 6. Yes, 6 में deal होता है. चलो question number 4. अच्छा question number 4 बहुत बड़ा question है. So every woman delivered of a child who returns to the duty after such delivery shall in addition to the interval for the rest allowed to her be allowed in the course of her daily work 2 breaks of the prescribed duration for nursing the child until the child attains the age of डैश मंथ्स. कितने महीने तक का जब बच्चा होगा तब तक उस फीमेल को काम पे टाइम पे कम से कम 2 ब्रेक मिलना चाहिए. ठीक है, तो बच्चे का एज 6 months, 12 months, 15 months, 24 months. एंड करेक्ट आंसर इज 15 months. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन. एवरी एस्टैब्लिशमेंट हैविंग डैश
और मोर एम्प्लॉय शैल हैव द फैसिलिटी ऑफ क्विचेस विद इन द सच डिस्टेंस एज मे बी प्रिस्क्राइब ईदर सेपरेटली और अलॉन्ग विद द कॉमन फैसिलिटीज 100, 50, 20, 10 एंड द करेक्ट आंसर इज 50. ये चेंज है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चेंज है. पहले वो लिमिट 30 होता था. फैक्ट्रीज एक्ट में आप पढ़ोगे उधर लिमिट अलग लिखी है, मैटरनिटी बेनिफिट में अलग लिमिट आती है. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अ वुमन हु लीगली अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश मंथ्स और अ कमिशनिंग मदर शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ द 12 वीक्स. इसका मतलब अगर कोई फीमेल खुद प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसने अगर बच्चा अडॉप्ट किया है तो कितने महीने से कम एज का बच्चा होगा तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा इवन इफ उसने अडॉप्ट किया है तो भी. तो कितने महीना? 3 months, 6 months, 9 months, 12 months एंड द करेक्ट आंसर इज 3 months, लेस देन 3 months, मतलब मैक्सिमम 3 months की लिमिट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी डैश वीक्स. तो मैक्सिमम पीरियड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में फीमेल को कितना मिलता है, कितना वो पेड लीव ले सकती है विदाउट एक्सटेंशन बोल रहा हूं मैं. 8 weeks, 12 weeks, 18 weeks and 26 weeks. So correct answer is 26 week का benefit मिलता है. ठीक है, ये पहले कम था अब बढ़ गया है. चलो next question number 8. Employer shall not knowingly employ a woman in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her. कितने week तक वो मतलब on the day of her मतलब क्या वो delivery होगा, miscarriage होगा, medical termination of pregnancy होगा या any of the above होगा. So the correct answer is any of the above. मतलब अगर ये तीन में से कुछ भी situation आया तो ये situation आने के 6 week तक उसको कोई heavy employment में या employment में नहीं लाना है. ठीक है, चलो question number 9. For which organization central government is appropriate government? कौन से type की organization के लिए appropriate government is the central government? Options देख लेते हैं. Railways, port, mines, key all of the above. And the correct answer is all of the above. Next is question number 10. Maternity Benefit Act was amended in which year? कौन से साल में बहुत major amendments लाए थे? चाहे 26 week का benefit, ये वो बहुत कुछ ये लोग लेके आए थे. 2016, 2017, 2018, 2019. And the correct answer is 2019. सबसे ज्यादा amendment 2019 में बहुत बड़ा आया था और इसकी वजह से पूरा ये act change हो गया था. ठीक है, तो correct answer is D, 2019. Clear? तो यहाँ पे ये दो chapter के मैंने important MCQs आपके साथ discuss किए. मैं और भी chapter के MCQs अभी मैं upload करूँगा. Besides that, अगर ये जो भी MCQs है ये अगर आपको चाहिए, इसको आपको पढ़ना है exam के लिए भी, तो हमारा ऐप है द लॉ अकेडमी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल करके आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर ये सारी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी. सो आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस. डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाउनलोड कर नोट करके रखा है, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.